सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी रिफंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अब रिफंड का प्रोसेस और ज्यादा मुश्किल जो है वो कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं और जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आपके लिए है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया है, जहाँ ये बताया गया है कि रिफंड का जो सैंक्शन ऑर्डर होता है उसके साथ साथ अब ऑफिसर्स को एक स्पीकिंग ऑर्डर भी देना पड़ेगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेंशन करना मैंडेटरी है, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर है, डिटेल्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ रिफंड क्लेम्स, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी का रिफंड फाइल करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पीकिंग ऑर्डर आएगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहला, द पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम हैज बीन फाइल्ड, द डेट ऑफ फाइलिंग एंड द कैटेगरी इन विच द रिफंड हैज बीन क्लेम, यानी कि अब जो रिफंड ऑर्डर आएगा उसमें ये डिटेल्स मेंशन होगा कि आपने किस पीरियड के लिए रिफंड डाला है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है और कौन से वाले कैटेगरी का रिफंड आपने अप्लाई किया है, यानी कि एक्सपोर्ट का है, विदाउट पेमेंट, विद पेमेंट, रिफंड ऑफ कैश, क्रेडिट, क्या है कैटेगरी वो बताई जाएगी। दूसरा है, whether it has been checked that refund claim for the same period has not been filed in the same category including any claim filed under any other category, यानी कि जिस कैटेगरी में आपने उस पीरियड के लिए क्लेम फाइल किया है, सेम पीरियड में उसी चीज के लिए आपने एनी अदर कैटेगरी में तो रिफंड कहीं दोबारा से नहीं फाइल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स ऑफ डेफिशिएंसी मेमो, अगर कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल हुआ जिसके अगेंस्ट डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया गया है तो वो क्या प्रॉपरली इशूड है या नहीं है और उसका प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट हुआ या नहीं। Whether refund claim has been filed within the limitation of time, यानी कि जो 2 साल का time period है, क्या उस 2 साल के time period के अंदर file हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो जहां पर deficiency memo है उस तरीके से issue होने के बाद, क्योंकि deficiency memo issue होने के बाद जो 2 साल का time period है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगला है, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स अपलोडेड अलोंग विद द रिफंड क्लेम, रिफंड क्लेम करने के साथ साथ जो एनेक्सर्स जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं अंडर रूल 89 वो प्रॉपरली अपलोडेड है या नहीं। जो डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट के द्वारा फाइल किए गए हैं ईमेल के द्वारा या हार्ड कॉपी में, वो भी प्रोवाइड करी जाएंगी उस स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि रिफंड फाइल करने से पहले ये चीजें आपको फुलफिल करनी है, अदरवाइज आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। Whether all the due returns have been filed by the applicant, whether any dues are pending, recovery from the applicant or refund is required to be with, यानी कि कोई रिटर्न पेंडिंग है, कोई आपके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ड्यू है, किसी भी प्रकार का कोई भी ड्यू अमाउंट जो है वो आपके अगेंस्ट रहेगा तो आपका रिफंड जो है वो विथहेल्ड हो जाएगा, चाहे वो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से हो या फिर कोई ड्यूज है जिसकी रिकवरी पेंडिंग रही गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रिफंड देने से पहले इशू किया जाएगा, ऑर्डर में मेंशन्ड होगा। वेदर एनी सो कॉज नोटिस वाज इशूड टू द एप्लीकेंट, अगर कोई सो कॉज नोटिस इशू किया गया है रिफंड के लिए तो उसकी डिटेल्स, डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन, SCN इशू होने के बाद जो सबमिशन दिया गया है एप्लीकेंट के द्वारा उसका क्या डिस्कशन हुआ, उसका क्या फाइंडिंग्स है, वो सारी चीजें अलोंग विद केस लॉज जो कि रिलाय अपॉन किए गए हैं वो सब चीज होंगी। इंपॉर्टेंट है अगला कि अनजस्ट एनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो एप्लीकेबल हुआ, क्या उसकी टेस्टिंग करी गई कि जो रिफंड अमाउंट लिया गया उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन किया गया है या नहीं,
कहीं ऐसा तो नहीं है टैक्स का पैसा भी ले लिया गया कस्टमर से उसके बाद रिफंड भी क्लेम कर लिया गया, यानी कि अनजस्ट एनरिचमेंट वाली टेस्टिंग वो कंप्लीट हुई या नहीं, ये सारी चीजें रिफंड फाइल करने से पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिफंड के अंदर अब स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ये चीजें दी जाएंगी। तरीके से जो दूसरा कैटेगरी दिया गया है जहां पर आपको एडिशनल डिटेल्स आपको स्पीकिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा, एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC, यानी कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जिसकी वजह से ITC एक्यूमुलेट हो गया है तो उसका रिफंड जब आप लेते हैं, या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड लेते हैं तो आपको जो स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर डिटेल्स दी जाएंगी वो यहाँ मेंशन करी गई है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये सर्कुलर और रिफंड से रिलेटेड दिया गया है, जिसमें आपको डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आपका बैलेंस यानी कि कैश लेजर के अंदर कोई बैलेंस पड़ा है आप उसका रिफंड लेते हैं तब भी आपके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो दिया जाएगा, जैसे जो आपने रिफंड क्लेम किया है कैश लेजर का क्या वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट हुआ या नहीं, अमाउंट जो रिफंड हुआ है जो रिफंड करना है क्या वो कैलकुलेशन एज पर सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 के अंदर परफेक्टली किया गया है या नहीं। तो यहां पर GST के अंदर रिफंड को क्लेम करने से पहले अब काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। इसके साथ साथ ऑडिट एंड रिव्यू यानी कि जो डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है ऑर्डर आने के बाद निकलने के बाद इश्यू होने के बाद उसको रिव्यू करने का उसको रिवीजन फाइल करने का उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इश्यू कर दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बता दी गई हैं, अब आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा अदरवाइज आपका काम होने के बाद भी आपके अगेंस्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड फॉर कॉल फॉर आपसे करी जा सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आपको डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।